हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और कुर्म पुराण की श्राद्ध चंद्रिका के अनुसार श्राद्ध से बढ़कर कोई भी कल्याणकारी उपाय नहीं है। हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रयत्न करके श्राद्ध का अनुष्ठान करें। अपनी पितृ की तिथि विधि और प्रॉपर मुहूर्त में श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आपकी आयु में वृद्धि करते हैं। साथ ही साथ अगर आपका दुर्भाग्य है, हर काम में अड़चनें आ रही है, तो आपको श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अपने पितृ को प्रसन्न करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। सपोर्ट करते हैं आपके पितृ, जब भी कोई रास्ते में जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, कहीं पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट्स होने वाले हो या कोई भी गलत काम कर कोई आपके साथ करने वाला हो, कोई शत्रु हो, कोई भी किसी प्रकार का किया धराव, सभी में पितृ आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए हमेशा अपने घर के बताती हूँ, कुल देवी देवता हो, पितृ हो, इनका आशीर्वाद हर मनुष्य को अवश्य प्राप्त करके रखना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष में आपको ध्यान रखना चाहिए, श्राद्ध जब करते तो प्रॉपर मुहूर्त का चुनाव करना चाहिए। हर दिन का सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त होता है कुतुब मुहूर्त, 11:48 से लेकर 12:36 तक। इसके बाद आता है रोहिणी मुहूर्त, 12:36 से लेकर दोपहर को 1:25 तक। और इसके बाद आता है अपराह्न मुहूर्त, यानी दोपहर का मुहूर्त, वो है 1:42 से लेकर के 3:46 तक। ध्यान रखना चाहिए, जिस दिन भी आप तिथि का श्राद्ध कर रहे हो, उस दिन आप ये ध्यान रखें कि राहु काल चेक कर लें। इस दौरान राहु काल नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का बहुत स्ट्रिक्टली आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक दिन पहले ही श्राद्ध तिथि पर भोजन के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित कर लेना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है, जिस दिन श्राद्ध उस दिन रास्ते में ढूंढते रहते, कहीं ब्राह्मण मिल जाए भोजन के लिए, कहीं ब्राह्मण मिल जाए, ये तरीका सही नहीं है। एक दिन पहले ही ब्राह्मण को आप आमंत्रित कर लें और जिस ब्राह्मण को आप भोजन कराने जा रहे हैं, श्राद्ध पक्ष में इन्वाइट कर रहे हैं, उसे बता दें कि वो पहले संध्या कर ले। श्राद्ध भोज करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय होने चाहिए और वे नियमित रूप से गायत्री का जप करने वाले होने चाहिए। ऐसा ही ब्राह्मण सुपात्र होता है श्राद्ध का भोजन कराने के लिए। और जब भी ब्राह्मण को निमंत्रित करें तो ध्यान रखें कि पुनर्भोजन या किसी अन्य के घर जा कर के वो श्राद्ध का भोजन ना करें। एक ही दिन में अधिक घरों में श्राद्ध का भोजन करना सही नहीं होता और मुहूर्त के अनुसार उन्हें आपको इन्वाइट करना चाहिए। अब जिस दिन आपको करना है श्राद्ध पर, सुबह जल्दी उठें, अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो करके सुबह घर में हमेशा कहती हूँ झाड़ू मारें, लेकिन अभी आज के दिन आपको झाड़ू नहीं मारना चाहिए सुबह सुबह अपने घर में। अगर घर बहुत गंदा हो गया है तो थोड़ा सा कपड़ा लेकर के पहुँच लें, पर झाड़ू नहीं मारना चाहिए। इस दिन आपको सुबह सुबह जब तक श्राद्ध ना निकले तब तक वस्त्र आदि भी नहीं धोने चाहिए। और ये सब काम आपको दोपहर को जब श्राद्ध कर्म पूरे हो जाएं तभी आपको करने चाहिए। जो स्त्रियां हैं उन्हें बाल नहीं बाने चाहिए। आप धो सकती हैं बालों को, लेकिन आपको बाल इस दिन कोम्ब नहीं करने चाहिए। आप अपने हाथों से उसे बा करके थोड़ा जूड़ा जैसा बना लीजिए। जो भी वस्त्र पहनेंगे, साफ धुले हुए हल्के वस्त्र, ज़्यादा जरी के, ज़्यादा तड़े तड़क भड़क वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। एथनिक धारण करें, सुंदर सोबर कपड़े पहने। जो पुरुष हैं वो स्नान करेंगे श्राद्ध के लिए, अगर तीर्थ स्थल में स्नान करना चाहते हैं वहाँ कीजिए, और या फिर घर में ही स्नान करके धोती और जनेऊ धारण करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देवता को नियमित रूप से जैसे लोटा जल का देते हैं, दक्षिणमुखी होकर के एक लोटा जल आप पितृ के निमित्त दीजिए, और थोड़ा सा जल तुलसी के पौधे में देना चाहिए। और घर में जो घर की स्त्रियां हैं या जो भी भोजन आदि बनाते हैं, उन्हें चाहिए कि घर में सात्विक पवित्र भोजन बनाएं। जो स्त्रियां हैं वो सिर ढक करके मौन रह करके भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि मुख से जूठन नहीं गिरना चाहिए। बोलते वक्त क्या होता है, कभी कभी थूक हमारी उच्चारण के साथ चला जाता है भोजन करते वक्त, तो ऐसे में आपको कभी भी कोई भी प्रसाद बनाते हैं तो मौन व्रत रख करके आपको प्रसाद बनाना चाहिए। बोलते हुए बक बक करते हुए आपको प्रसाद नहीं बनाना चाहिए। जूठे रसोई में आपको भोजन नहीं बनाना है। जो भी पीरियड्स में है वो श्राद्ध कर्म नहीं करते, इस बात का बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखें। जो सब्जियां आदि बनाएंगे, जौ हो, मटर हो, सरसों, इनका उपयोग श्रेष्ठ बताया गया है। बाकी नॉर्मल रसोई कीजिए, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, चना, मसूर दाल, बैंगन, इनका उपयोग नहीं किया जाता है। गाय का घी हुआ, चीनी, गुड़, मिश्री, दही, मक्खन, मलाई, इनका उपयोग करें। मालपुए बनाएं, पूड़ा, पूड़ी, मूंग,
मूंग की पकौड़ियाँ, उड़द की पकौड़ियाँ, दही बड़े, खीर, सुरन की चटनी, खीरे की भुजी आदि जो भी आपके घर में रसोई में बनता है वो बनाइए। ज़्यादा पकवान पितरों की पसंद के होने चाहिए और कटेरी जो फल होता है इसका दान करना या इसका उपयोग करना भोजन में मनाही होती है। अगर भोजन नहीं बना सकते हैं तो जैसे कोई कोई श्राद्ध होता है, जैसे द्वितीय का श्राद्ध है आज, तो द्वितीय के श्राद्ध में ब्राह्मण को कच्चा अन्न भी दान किया जा सकता है। ये शास्त्रों में आज्ञा दी गई है। और इस प्रकार से भोजन बना करके एक भोजन पहले, सबसे पहले भगवान को भोग लगा लीजिए भोजन का, इसके बाद एक थाली में पितृ के लिए भोजन लगा लीजिए। अगर आपके घर में एक ही दिन में दो श्राद्ध अगर हो रहे हैं, दो या तीन श्राद्ध, आपका दो या तीन लोगों की तिथि है, तो ऐसे में तीन थाली जो निकलेगी, तो जब आप लास्ट में भोजन निकालेंगे तो पहले जो सबसे बड़े हैं उनका भोजन निकालेंगे, इसके बाद उनसे छोटे का, इसके बाद उनसे छोटे का, इस विधि से। ऐसा नहीं कि तीनों थाली आपने एक साथ भोजन निकाल दी, इस बात का ध्यान रखें। जब दक्षिणमुखी होकर के घर में दक्षिणमुखी होकर के बैठें और भोजन को वहाँ सजा लें, सफ़ेद कपड़ा बिछा लीजिए किसी चौकी पर, पितृ यंत्र है तो वो रखिए, पितरों के चित्र रख सकते हैं, शालिग्राम जी को स्थापित कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही बैठ जाइए दक्षिणमुखी होकर के, थोड़ा सा गोबर या मिट्टी अपने तुलसी के गमले से ले लीजिए और वहाँ ज़मीन पर थोड़ा जल लेकर के गोल घेरा बना लीजिए, वहीं पर सारे कार्य को आप करें। दक्षिणमुखी होकर के बैठना है। खुद के लिए आसन जो आप लेंगे वो कुश का बना हुआ आसन, कंबल मृग चर्म, जन्म व्याघ्र चर्म और रेशम से बने आसन का उपयोग किया जा सकता है। बांस, मिट्टी, पत्थर, पत्ते, गोबर, पलाश, पीपल और जिसमें लोहे की कील लगी हो, ऐसे आसन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तर्पण और पूजा पाठ में जो भी बर्तन आप उपयोग करेंगे वो सोना, चांदी, तांबा या कांसे का बना हुआ होना चाहिए। आजकल स्टील चलता है तो स्टील ले लीजिए। वैसे मिट्टी और लोहे के पात्र उपयोग में तर्पण के समय नहीं किए जाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, गोबर मिट्टी से जगह को लीप लीजिए, वहाँ पर एक गाय का घी का दीपक जला दीजिए। अब जो दीपक में बाती होगी, ध्यान रखना चाहिए पितृ कार्य में हमेशा लंबी बाती का उपयोग करें और बाती का मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से घी का दिया जलाएं, सुगंधित धूप जलाएं, चंदन अर्पित करें, फूल चढ़ाएं, मिश्री, इलायची ये सब चढ़ाएं, भोजन जो आपने प्रसाद बनाया है वो वहाँ पर भोग रख दीजिए और तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। जो भी कच्चा दूध आदि है, गुलाब के फूल, फूल माला, कुशा, सुपारी, जौ, काले तिल, जनेऊ सब अपने पास रखें और तीन बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः बोलें। आचमन करने का अर्थ है अपनी हाथ की, राइट हैंड की कटोरी बना लीजिए और जल ले करके, थोड़ा थोड़ा कोई चीज़ से जल ले करके उसको पीना चाहिए। इसको आचमन करना कहते हैं। और इस प्रकार से आचमन करके हाथों को आप जल से धो लीजिए और फिर खुद के ऊपर थोड़े से जल का छिड़काव करें, पवित्र हुए। गायत्री मंत्र से जो लोग भी शिखा रखते हैं वो शिखा बांध लेंगे। इसके बाद अपने फॉरहेड पर तिलक लगाएं, चंदन का तिलक लगाएं, ये सर्वश्रेष्ठ है। और इसके बाद जो दाहिनी जो अनामिका उंगली है उसके बीच में पोर से तीन कुशा और बाएं में अनामिका में तीन कुशा की पवित्री पहले ही बना लीजिए। पवित्री अंगूठी जैसी, पवित्री कहते हैं अंगूठी बनाना कुशा घास की, उससे अंगूठी जैसी बनाकर धारण कर लीजिए। अब हाथ में तीन कुशा को लेकर के थोड़े से चावल ले लीजिए और थोड़े काला तिल ले लीजिए और एक जल का पात्र हाथ में ले लीजिए। अब मंत्रों के बीच आपको तर्पण करना चाहिए। कुशा का जो अग्र भाग है यानी ऊपर का भाग है वो पूरब की ओर रखना चाहिए। देव तीर्थ से यानी कि दाहिने हाथ, आप फोटो में देख लीजिए देव तीर्थ किसको कहते हैं, पितृ तीर्थ किसको कहते हैं, ऐसे समझ कर आपको तर्पण करना चाहिए। तो कुशा के अग्रभाग को पूरब की ओर रखें, देव तीर्थ से यानी दाहिने हाथ की उंगलियों के अग्रभाग से आपको तर्पण देना चाहिए। इस प्रकार से प्रथम ऋषियों को तर्पण दें। अब उत्तर मुख करके जनेऊ को कंठी करके माला जैसी बना लीजिए और पालकी लगा करके बैठ जाइए। अब दोनों हाथों की उंगलियों के बीच से जल गिरा करके मनुष्य को तर्पण देना चाहिए। उंगलियों से देवता और अंगूठों से पितरों को जल दिया जाता है। तो दक्षिणमुखी हो जाइए, जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाइए और थाली में काले तिल छोड़िए, फिर काले तिल हाथ में लेकर के अपने पितरों का आवाहन कीजिए।
ओम आगच्छन्तु मे पितर इमं गृहन्तु जल अंजलिम। इस प्रकार से बोल करके पितर का आवाहन करिए और फिर अंगूठे और तर्जनी यानी पितृ तीर्थ से मध्य भाग से आपको तर्पण देना चाहिए। जो आपका अंगूठा है और तर्जनी उंगली है इसके बीच में से जल गिराते हुए आपको तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते वक्त आप अपना गोत्र बोलें, नाम बोलें। गोत्रे अस्म पितामह वसुरूपत त्रिपयत मिदम तिलोदकम गंगा जलम वा तस्मे स्वधा नमः तस्मे स्वधा नमः तस्मे स्वधा नमः। इस मंत्र को बोलते हुए पितामह और परदादा को तीन बार जल देना चाहिए। इस प्रकार से तीन पीढ़ियों का नाम लेकर के जल दीजिए। इस मंत्र को पढ़कर जल अंजलि पूर्व दिशा में 16 बार, उत्तर दिशा में 7 बार और दक्षिण दिशा में 14 बार दिया जाता है। नहीं तो आप कम से कम तीन तीन बार दे दीजिए। जिनके नाम याद नहीं है तो रुद्र विष्णु ब्रह्मा जी का नाम उच्चारण कर लें और फिर भगवान सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। इसके बाद कंडे पर गुड़ और घी का धूप देना चाहिए। इसके बाद आपको दाहिनी घुटना जमीन पर लगाकर बैठना चाहिए और पिंड दान करना चाहिए। पिंड दान कैसे करते हैं? चावल को गलाकर पहले ही जब गल जाए तो उसे ठंडा कर लीजिए। उसमें गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद और काले तिल मिला सकते हैं। इनको मिलाकर गोल गोल पिंड बनाए जाते हैं। जनेऊ को दाहिने कंधे पर पहनकर दक्षिण की ओर मुख करके उन पिंडों को पितृ को अर्पित करना ही पिंड दान कहलाता है। कहते हैं चावल से बने पिंड देने से पितर लंबे समय तक संतुष्ट रहते हैं। तीन पिंड बनाने चाहिए, पिता, दादा और परदादा। यदि पिता जीवित है तो दादा, परदादा और परदादा के पिता, इनके नाम के पिंड बनते हैं। कम से कम तीन पीढ़ी का पिंड दान करना चाहिए। पिंड हाथ में लेकर के बोले इदम पिंड, अपने पितर का नाम ले तिभ्य स्वधा के बाद पिंड को अंगूठा और तर्जनी उंगली के माध्यम से छोड़ देना चाहिए और फिर इसके ऊपर जल तर्पण करना चाहिए। पिंडदान इस प्रकार से करने के बाद पितरों का ध्यान करें और पितरों के देव अर्यमा का भी ध्यान करना चाहिए और लास्ट में जो पिंड है उसे उठा करके ले जाइए और नदी के जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। दोस्तों इसके बाद विष्णु भगवान के कुर्म अवतार का स्मरण करते हुए तुलसी पत्र चढ़ाइए, भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। उंगली में जो अंगूठी पहनेंगे वो दुर्भा घास की होनी चाहिए, ये बात का ध्यान रखें। और पितृ के निमित्त आपको ओम कुर्माय नमः, ओम कुर्म आसनाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। पितृभ्य स्वधायिभ्य स्वधा नमः, पितामहेभ्य स्वधायिभ्य स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्य स्वधायिभ्य स्वधा नमः, सर्वे पितृभ्यो श्रद्धया नमो नमः। ओम नमो वः पितरो रसाय नमो, वः पितरः सोषाय नमः, वः पितर जीवाय नमः, वः पितर स्वधाय नमः, वः पितर पितरो नमः, वो गृहा अन्न पितरो दत्तः सत्तो वह। इस प्रकार से बोल करके आपको प्रार्थना करनी चाहिए। और जो श्राद्ध में जो भोग है आपने सबसे पहले गाय को थोड़ा देना चाहिए, काले कुत्ते को देना चाहिए और अंत में कौवे के लिए ग्रास अवश्य निकाल करके रखना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवा के यथा योग्य दक्षिणा देनी चाहिए। पिंडदान करने के बाद पितरों का ध्यान करके आप इस प्रकार से जब जल में प्रवाहित कर देंगे, जो लोग भी संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, संतान नहीं हो रही है, तो जो दो हरे गोल मौसम्बी नाभि से वार करके पितरों के नाम का आज के दिन पीपल पर रखना चाहिए। दोस्तों पिंडदान के बाद पंचबली कर्म अवश्य करना चाहिए। पांच जीवों को भोजन कराएं, गोबलि, श्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पीपली कादी। ये होता है नियम। गौबली क्या होती है, कैसे निकाली जाती है गौबली? पश्चिम दिशा की ओर एक हिस्सा गाय के लिए निकाला जाता है। गौ माता में क्या होता है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। कहते हैं कि गौ माता को आप भोजन कराते हैं तो सभी देवताओं को संतुष्टि मिलती है और मरने के बाद गौ माता ही यमलोक के बीच पड़ने वाली भयानक वैतरणी नदी से पार लगाती है। इसलिए श्राद्ध के भोजन का एक हिस्सा गौ माता के लिए अवश्य निकालें। दूसरा है श्वान बलि। पंचबली का एक हिस्सा कुत्तों के लिए निकाला जाता है। यमराज का पशु माने गए हैं। यमराज कौन है? मृत्यु के देवता हैं। इसलिए कुत्ते को श्राद्ध का एक अंश देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। इसे कुकुर बलि भी कहते हैं कहीं कहीं। और शिव महापुराण में तो कहा गया है कि कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल नाम के दोनों कुत्ते के लिए यह अन्न का भाग दे रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से कुत्तों को भोजन देना चाहिए।
काक बलि करनी चाहिए। काक यानी कौआ, कौए के लिए निकाले जाने वाले हिस्से को काक बलि कहते हैं और ये भोजन का हिस्सा घर की छत पर रखा जाता है। कौए को क्या कहते हैं, यमराज का प्रतीक मानते हैं जो दिशाओं का शुभ और अशुभ संकेत बताते हैं। कौओं को श्राद्ध का हिस्सा खिलाने से पितर संतुष्ट होते हैं, अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। चौथा हिस्सा देवादि बलि, पंचबली का एक हिस्सा देवताओं के लिए निकाला जाता है, देवादि बलि कहते हैं और ये अग्नि में समर्पित होता है और इसे देवताओं तक पहुंचाया जाता है। अग्नि को प्रज्वलित करने के पहले पूरब की ओर मुख करके गौ के गोबर से बने हुए उपलों को जलाकर उसमें घी के साथ भोजन के 5 निवाले आपको अग्नि में डालना चाहिए और इससे धूप देना चाहिए। अब लास्ट होता है पीपली का दिवली, यानी पंचबली का ये हिस्सा चींटियों और अन्य कीड़े मकोड़ों के लिए दिया जाता है। इसे खाकर वे तृप्त होते हैं और इस जो भाग है इसे पीपल के वृक्ष के नीचे रखना चाहिए। इन 5 हिस्सों को निकालने के बाद ही आपको ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और इस प्रकार से श्राद्ध करने से पितर को तृप्ति मिलती है और प्रसन्न होकर के आपके बच्चों पर कृपा बरसाते हैं। पितरों की कृपा से परिवार खूब फलता फूलता है। जो श्राद्ध का भोजन है या तो पलाश के पत्तों पर नियम अनुसार बता दे रही हूँ खिलाना चाहिए, चांदी या कांसे के बर्तन में खिलाए जा सकते हैं, आजकल नहीं हो तो स्टील में खिलाइए पर मिट्टी के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भी आप भोजन परोसेंगे तो ध्यान रखें दोनों हाथों से भोजन परोसें, एक हाथ से भोजन परोसना ये राक्षस छीन लेते हैं भोजन को, इसलिए एक हाथ से कभी भी भोजन ना परोसें। बिना ब्राह्मण भोज के पितृ भोजन नहीं करते, शाप दे करके लौट जाते हैं, इसलिए ट्राई करें कि ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। नहीं मिले तो आप किसी मंदिर में थोड़ा भोजन दान कर सकते हैं, ना मिले और कोई तो गऊ कुत्ते कौवे किसी गरीब को भोजन देकर पितृ को संतुष्ट करिए। ध्यान रखना चाहिए श्राद्ध का भोजन जो भोजन कर रहा है उस ब्राह्मण को और भोजन खिलाने वाले को मौन रूप से भोजन करना चाहिए। यदि किसी को कुछ आवश्यक हो तो इशारे से बात करें, बोलते हुए भोजन करने वाले ब्राह्मण के जरिए पितरों तक भोजन नहीं पहुंचता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखिए कि बोलना नहीं चाहिए। श्राद्ध भोज की ना तो प्रशंसा करनी चाहिए ना ही बुराई करनी चाहिए। भोजन जैसा भी बना है उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करें। नमक या चीनी कम हो तो इशारे से मांग कर पूर्ण कर लें, लेकिन कमी बताना नहीं चाहिए। श्राद्ध भोजन कराने वाले को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मण के आगे भोजन ले जाता रहे, ये ना पूछें कि चाहिए और चाहिए या भोजन कैसा रहा। ऐसा करने पर भोजन को टोक लगती है, पितृ तक भोजन नहीं जाता है। जब भी भोजन पूर्ण हो जाए तो अपने हाथों से उनके जूठे बर्तन उठाएं, ऐसा ना कि उन्हें बोल दे जाइए किचन के बेसिन में रखिए। अपने हाथों से उनके जूठे भोजन का प्लेट आपको लेना चाहिए और उसे अपने हाथों से, चाहे मेड भी आती हो आपके घर में बर्तन धोने तो भी ट्राई करें, जो पितर को भोजन आपने कराया उसकी थाली स्वयं धो करके रखें और जहाँ उन्होंने भोजन किया है वहाँ अच्छे से पोंछ देना चाहिए। इसके बाद उनको तिलक आदि करके, वस्त्र आदि दे करके, धोती गमछा साड़ी आदि जो आपने मंगाया है वो दे करके, आपको उनको थोड़ी दक्षिणा दे करके उनके चरण छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए। घर का प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करे और ध्यान रखे ये जब तिलक उनको करेंगे तो दक्षिण और नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर और दक्षिण दिशा में आपको इस प्रकार खड़े होने चाहिए कि एक की पीठ दक्षिण में हो एक की पीठ उत्तर में हो, यानी जो आपके पितर हैं जिनको आपने भोजन कराया है उनकी पीठ दक्षिण की ओर होना चाहिए, आपकी पीठ उत्तर की होनी चाहिए। इस प्रकार पोजीशन में खड़े होकर के पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों के साथ साथ पितरों की भी विदाई होती है, इसलिए भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को द्वार तक छोड़ें। द्वार के बाहर कोई लोग होता है घर तक छोड़ने चले जाते हैं, आप कोई प्रॉब्लम है कोई ने बोला है ड्रॉप करने, ड्राइवर वगैरह अगर लाना है पिक करना है ड्रॉप करना अलग बात, लेकिन ट्राई करना चाहिए कि उसके बाद उनको आगे तक छोड़ने ना जाएं, लास्ट एक पॉइंट तक छोड़कर वापस आ जाएं। ब्राह्मण के भोजन के बाद स्वयं भी भोजन करना चाहिए, अपने रिश्तेदारों को भोजन कराना चाहिए, स्पेशल रूप से बहन दामाद भांजे इनको, जो भी आपके घर की बहन बेटियां हैं इनको अवश्य भोजन कराना चाहिए। कहते हैं कि बहन बेटियों को भोजन कराए बिना पितर भोजन नहीं करते, इसलिए सभी को जो पॉसिबल हो आमंत्रित करना चाहिए और श्राद्ध पक्ष में कोई भी भिक्षा मांगे तो आदर से उसे भोजन कराएं। दोस्तों अगर आपके पास श्राद्ध कर्म करने के लिए पैसा नहीं है धन नहीं है, आप अपने पितरों को अपने वचनों से भी तृप्त कर सकते हैं। दोनों हाथ
आसमान की ओर उठा करके हाथ जोड़ करके बोले, हे पितर, मेरे मन में आप सभी पितरों के लिए बहुत बहुत श्रद्धा है, इसलिए आपको मेरे पास कोई साधन ना होने के अभाव में अब श्रद्धापूर्ण तरीके से अपने वचनों से आपको तृप्त कर रहा हूँ। आप सभी मेरी इस प्रार्थना से तृप्त हों, इस प्रार्थना को स्वीकार करें और मुझे और मेरे आने वाले वंशजों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से बोल करके अगर जल है आपके पास थोड़ा जल दे दीजिए, और नहीं जल भी अवेलेबल नहीं है तो इस प्रकार से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर अपने पितृ से श्राद्ध किए। दोस्तों, इस प्रकार से जो भी मनुष्य श्राद्ध कर्म करता है नियमों के साथ पूर्ण मुहूर्त में करता है, उसका पूर्ण लाभ पितरों को प्राप्त होता है, उन्हें उत्थान मिलता है, वो एक कदम और उत्थान करते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इसलिए सभी नियमों को विशेष रूप से ध्यान करते हुए आपको अपने पितर का ध्यान करके उन्हें तृप्त अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब मुसीबत पड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, मैया, हे पापा, मेरे पिताजी, काश मेरी मम्मी होती। तो अगर दादा दादी, इनको हम याद करते हैं, तो कम से कम जब हम चाहते हैं कि वो बुरे वक्त में हमारी रक्षा करें, तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि जो जीवित माता पिता हैं उनकी तो हम सेवा करें ही करें, साथ ही साथ जो हमारे बीच में नहीं है उनको याद करने का एक मौका है। हम जिनके ब्लड से बने, जिनकी जीन्स से बने हैं, उनको नमन करने का, उनको प्रार्थना करके उनको थैंक्स बोलने का एक तरीका है ये पितृ का श्राद्ध। इसलिए आप भी करें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से छोटी छोटी बातें बताती रहती हूँ पितृपक्ष को लेकर के, ताकि भूल ना करें और आपको पूजा का, श्राद्ध का पूर्ण फल प्राप्त हो। इसीलिए इन बातों को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से शेयर जरूर किया करें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। किसी भी प्रकार के प्रश्न मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की। बोलिए अपने अपने पितर पितरानी की जय।